सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मेलबर्न स्टार्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेड्स के बीच जो एक कल का बिग बैश लीग का मैच है, जो जो कि खेला जाने वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो MCG पे खेला जाएगा। तो इसके हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और इन डेप्थ तो नहीं, लेकिन आपको मैं एनालिसिस दे दूंगा, ग्राउंड के स्टैट्स दे दूंगा, और जो है कुछ प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी टीम जो है बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्रेडिट्स इतने हाई हैं सबके कि सबको एक टीम में इकट्ठा करके लेना मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और स्क्वाड में कुछ चेंजेस भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप चेंजेस के हिसाब से अपनी टीम जो है कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर फोरकास्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बारिश के चांसेस नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है यहाँ से थंडर्स को जो है जो आप कह सकते हैं मौसम में थोड़ा बहुत जो गिरावट आएगा, लेकिन कहीं से भी बारिश से ज़्यादा चांसेस मेरे को लग नहीं रहे हैं। मे बी 60% जो है यहाँ से रेन के चांसेस दिखा रहा है, अभी जो मैंने चेक किया तो मे बी 60% तक जा रहा है, जो स्केल है वो 60% तक जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ज़्यादा यहाँ से प्रिडिक्टेड नहीं है रेन, तो मैच क्लियरली पूरा 40 ओवर का हो सकता है। यहाँ से अगर मैं पिच की बात करूँ तो पिच जो रिसेंट में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ उसमें आपने देखा रन्स भी बने, और लास्ट जब दोनों टीम ने सेकेंड इनिंग खेली अपनी, तो वहाँ पे सबके लिए बैट्समैन के लिए इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी मतलब परेशानी से टॉम ब्लंडल के 120 रन बनना वो इतने मुश्किल से बने, और उसके बाद जो भी बैट्समैन ने रन बनाए तो वो बहुत मुश्किल से रन बना रहे थे, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग दोनों टीम ने खेली उसमें काफ़ी रन बने थे, अच्छे रन बने थे। तो मेरे हिसाब से बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए यहाँ पे ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ से अगर मैं आउटकम्स की बात करूँ तो आउटकम्स में यहाँ से जो चेज़ करता है वो अक्सर यहाँ पे जीतता है। आपको पता ही होगा अगर आपने एमसीजी के मैचेस अगर देखे होंगे, तो यहाँ पे जो भी टीम चेज़ करती है वो जो टॉस जीतती है वो ज़्यादातर जो है चेजिंग ही लेती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो चेजिंग लेगा वो जो है यहाँ पे क्लियर फेवरेट रहेगा विन करने के लिए। यहाँ से अगर मैं बॉलर्स की इकोनॉमी और एवरेज की बात करूँ तो आप यहाँ पे अपने ग्राफ देख सकते हैं, लेग ब्रेक और फास्ट बॉलर्स लगभग सेम एवरेज के साथ, और इकोनॉमी थोड़ी बहुत वेरी है लेकिन एवरेज सेम है लगभग। चाइनामैन बॉलर का भी जो है एवरेज सेम है लगभग, और मीडियम पेस बॉलर का भी। तो आप मान के चल सकते हैं सारे ही बॉलर इक्वली आप जो है जज कर सकते हैं, कि इक्वली एक ही आप लेवल के सब बॉलर्स को जो है कंसिडर कर सकते हैं, और अपनी टीम्स के लिए आप पेस बॉलर को ले लीजिए, आपके क्रेडिट्स जिसको लेने को अलाउ करे उनके हिसाब से ले लीजिएगा। मैं कुछ आपको प्लेयर्स के नाम सजेस्ट करूंगा जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ अच्छा है, और जो है कुछ बॉलर्स के नाम बता दूंगा जिन जो है अच्छा कर सकते हैं, फिलहाल के लिए उतने प्लेयर्स से पिक नहीं है। तो चलिए अगर मैं टीम न्यूज़ की बात करूँ स्टार्स की तरफ, तो इनका जो है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। डेल स्टेन जो है यहाँ पे अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं स्टार्स के लिए, और उसके बाद जो है वो पैट ब्राउन के साथ जो है रिप्लेस हो जाएंगे अगले मैच में। और यहाँ से एक न्यूज़ ये भी है कि संदीप लामिचा ने, जो कि पिछले मैच में रेस्टेड नहीं थे, इंजर्ड थे लेकिन रेस्टेड बताया गया था, तो अभी फिलहाल के लिए वो रिप्लेस जो है फिर से स्क्वाड में ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। तो मैं भी देखते हैं कल गेम टाइम डिसीजन में कहूंगा कि टॉस के बाद ही पता चलेगा कि खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए तो स्क्वाड में इंक्लूड करे गए हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो मार्कस स्टोइनिस बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ऑलराउंडर तो नहीं, एज आप जो है इनको बैट्समैन कंसिडर करिए, बिकॉज ये बॉलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करा रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे मेरे लिए ये एक बैट्समैन रहेंगे। और ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए एक प्रॉपर ऑलराउंडर रहेंगे, बिकॉज ओपन भी किया पिछले मैच में बॉलिंग के, 2 विकेट शायद इन्होंने लिए, 2 या 1 विकेट इन्होंने लिया, तो एक प्रॉपर एक ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। 4-5 नंबर पे बैटिंग भी करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है। मे बी लगभग जो यहाँ पे MCG पे इनका 38 का एवरेज है, तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए पिक हो सकते हैं। डेल स्टेन की अगर मैं बात करूँ तो अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं, तो कुछ अच्छा करिश्मा करके दिखा सकते हैं, लेकिन डेल स्टेन को ये पिच ज़्यादा सूट नहीं करेगी मेरे हिसाब से। जो स्विंग कराएगा, थोड़ी बहुत स्विंग कराने की कोशिश करेगा और थोड़ा वेरिएशन डालेगा, उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से डेल स्टेन उतने यहाँ पे सूटेबल बॉलर नहीं है, लेकिन अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं अपना फ्रेंचाइजी के लिए, तो अपना पूरा दमखम लगा के बॉलिंग करेंगे। एक्सपेक्टेड 11 की अगर मैं बात करूं तो मार्कस स्टोइनिस और निक मैडिसन ओपन करेंगे, देन आएंगे निक लार्किन जो कि पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया खेले थे, पीटर हैंड्सकॉम्ब आएंगे उसके बाद इनके विकेट कीपर, देन ग्लेन मैक्सवेल इनके कैप्टन, देन बेन डंग जो कि बहुत ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं हाल फिलहाल, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है लेकिन टीम की रिक्वायरमेंट है डाउन द ऑर्डर, तो यहाँ पे फिनिशर का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं। नेथन कुल्टर-नाइल आएंगे उसके बाद इनके जो लेट हिटिंग करेंगे और मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। एडम जंपर की अगर बात करूं तो ये स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं,
और यहाँ से क्लिंटन हिंकलिफ की अगर मैं बात करूँ तो मे भी ये खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं। तो मैं कहूँगा 50-50 चांसेस हैं, अगर खेलते हैं तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, अगर नहीं खेलते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इनके क्रेडिट्स बहुत लो हैं। तो इनको लेके हम थोड़े बहुत क्रेडिट्स मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खेलते तो बहुत आपको टीम में जो है बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। डेल स्टेन आएंगे उसके बाद, देन संदीप लामिच्याने खेल सकते हैं कल के मैच में। अभी ये भी मैं गेम टाइम डिसीजन कहूँगा, जो भी हो जो है हो सकता है कोई भी खेले, तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटीज है, खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल भी सकते हैं। तो गेम टाइम के टाइम आपको टॉस के बाद ही पता लगेगा। यहाँ से अगर मैं रेनिगेड्स की तरफ से अगर मैं टीम न्यूज़ की बात करूँ, तो टॉम एंड्रयूज को पिछले मैच में खिलाया गया था हैरी गर्नी की जगह, जो कि इंग्लैंड चले गए थे अपने घर, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया इंग्लैंड चले गए हैं, तो अभी फिलहाल के लिए वो लौट चुके हैं, तो स्क्वाड में ऐड कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल कल देखना पड़ेगा कि किन को खिलाती है टीम, टॉम एंड्रयूज को खिलाती है या हैरी गर्नी को खिलाती है। या तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से टॉम एंड्रयूज खेल सकते हैं और कोई और प्लेयर को जो है रेस्ट कराया जाए, हैरी गर्नी भी खेल सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से अगर यहाँ से हैरी गर्नी और जैक जैक विल्डरमथ जो है दोनों स्क्वाड में ऐड कर दिए गए हैं, और यहाँ से मार्कस हैरिस और जो मिन्ने को जो है स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, जो कि बैट्समैन है मार्कस हैरिस, तो उनको बाहर कर दिया गया। तो टॉम कूपर में भी मोस्ट प्रोबेबली इनको रिप्लेस करेंगे प्लेइंग 11 में। अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो शॉन मार्श इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही अच्छा एवरेज के साथ खेलते हैं, टेक्निकल बैट्समैन है, बहुत ही मतलब एक डिसिप्लिन बैट्समैन कह सकते हैं आप, बहुत अच्छे बैलेंस के साथ खेलते हैं। देन एरन फिंच इनके ओपनर काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन है और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे खासे एवरेज के साथ खेलते हैं, तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपके लिए एक अच्छे इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। केन रिचर्डसन की अगर बात करूं तो काफी हाई क्रेडिट है, 9.5 क्रेडिट में एक बॉलर को आप जो है अगर अपनी टीम में जो है आप ले सकते हैं, अगर आप इनको जो है टीम में इंक्लूड करने की आपकी कैपेबिलिटी है और उतना रिस्क आप उठा सकते हैं तो जरूर जो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 9.5 क्रेडिट बहुत ही आपके लिए जो है ज़्यादा हो जाएगा। आप कोई अच्छा बैट्समैन लेने की कोशिश करें, बिकॉज पिच में अच्छे खासे रन भी बन सकते हैं, मेरे हिसाब से अच्छे खासे रन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि यहाँ पे ज़्यादा बॉलर्स जो है विकेट निकालेंगे। लेकिन फिर भी पॉइंट सिस्टम ड्रीम इलेवन का ऐसा है कि एक दो विकेट अगर निकाल लेता है बॉलर तो 50-60 जितना भी बना ले बैट्समैन उससे ज़्यादा ही स्कोर जो है उनका बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्टेड 11 की बात करूँ तो सैम हार्पर जो है, सैम हार्पर और एरन फिंच ओपन करेंगे, देन शॉन मार्श आएंगे वन डाउन, देन टॉम कूपर आ सकते हैं रिप्लेस करते हुए मार्कस हैरिस को, देन डैन क्रिश्चियन आएंगे, देन बी यू वेबस्टर, और यहाँ से विल सदरलैंड या जैक विल्डरमथ में से कोई भी खेल सकता है, तो मेरे हिसाब से जैक विल्डरमथ को आना चाहिए। देन आएंगे कैमरन बॉयस और केन रिचर्डसन, रिचर्ड ग्लीसन और हैरी गर्नी। यहाँ से रिचर्ड ग्लीसन की जगह जो टॉम जो इनके टॉम एंड्रयूज हैं, तो टॉम एंड्रयू हैं उनको भी खिलाया जा सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ से टॉम एंड्रयूज जो पिछले मैच में खेले थे, तो इनको भी जो रिप्लेस करके यहाँ से रिचर्ड ग्लीसन की जगह लाया जा सकता है, ये भी चेंज यहाँ से मे भी पॉसिबल है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड की, तो ओवरऑल 16 मैचेस खेले जा चुके हैं दोनों टीम्स के बीच, 11 जो है स्टार्स ने जीत रखे हैं, रेनिगेड्स ने सिर्फ 5 जीत रखे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर पर्टिकुलरली बात करूँ तो 8 मैचेस खेले गए हैं, 5 जो है यहाँ से स्टार्स ने जीते हैं और रेनिगेड्स ने 3 जीते हैं, तो यहाँ से क्लियर फेवरेट आपको लग रहे हैं स्टार्स, और फॉर्म में भी जो है स्टार्स ने पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस जीत के आ रहे हैं और 1 मैचेस लॉस किया है। लेकिन वहीं पर रेनिगेड्स की अगर मैं बात करूँ तो 5ों मैचेस अपने लास्ट 5ों मैचेस हार के आ रहे हैं, तो काफ़ी जो है बुरी फॉर्म में है, तो मेरे हिसाब से इस मैच को जीतने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ से मेरे लिए फेवरेट जो है स्टार्स ही रहेंगे। अगर यहाँ से मैं रीसेंट हेड टू हेड की बात करूँ तो पिछले सीज़न 17 फरवरी 2019 को मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में खेला गया था, तो इसमें जो है मेलबर्न रेनिगेड्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 145 का स्कोर बनाया 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से मार्कस हैरिस ओपन करते हुए 12 रन, एरन फिंच के 13, सैम हार्पर के 6 यहाँ से, और मिकांजी हार्वी जो अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है और कैमरन वाइट भी स्क्वाड में नहीं है, टॉम कूपर आ सकते हैं जो कि नीचे से अच्छा कंट्रीब्यूट किया था 43 का, देन डैन क्रिश्चियन भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था 38 के साथ, दोनों नॉट आउट रहे थे। अगर यहाँ से मैं बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ स्टार्स की तरफ से, तो यहाँ से जैक्सन बर्ड जो अभी फिलहाल के लिए सिक्सर्स के स्क्वाड में है, तो उनके 2 विकेट, और एडम जम्पा यहाँ से आपके लिए क्रूशल हो सकते हैं, इनके 2 विकेट थे। और यहाँ से स्टार्स ने इसको चेस करते 132 का स्कोर बना सके सिर्फ, और 7 विकेट इनके गए थे। तो यहाँ से बेन डंक ओपन कर रहे थे, मैंने जैसे बताया ये नेचुरली ओपनर हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो इनके 57 थे, और मार्कस इसके 39, देन पीटर हैंडसकम जो है वो 0 पे आउट हो गए थे, मैक्सवेल ने भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, 1 इनका स्कोर था, मेडिसन नीचे बैटिंग कर रहे हैं इनका 6 स्कोर था, सेब गॉज जो अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है उनके 2 रन, यहां से डीजे ब्रावो ये भी अभी स्क्वाड में नहीं है,
इनके तीन कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बेंटंक और यहाँ से स्टोइनिस का जो है 39 और 57 का कंट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ से मैं रेनिगेड्स की तरफ से बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो क्रिस ट्रीमेन के 2 विकेट जो अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है, देन हैरी गर्नी का 1 विकेट है और कैमरन बॉयस का 2 विकेट और डैन क्रिश्चियन के 2 विकेट हैं। यहाँ से अगर मैं उससे पहले वाली मैच की बात करूँ तो ये भी मार्वल स्टेडियम पर ही खेला गया था 19 जनवरी 2019 को। मेलबर्न रेनिगेड्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए इसमें 121 पोस्ट किया, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था। यहाँ से मार्कस हैरिस का 15, एरन फिंच के 14, सैम हार्पर ने इसमें ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, 3 बॉल पे 0 रन बनाए। टॉम कूपर का फिर से 24 का कंट्रीब्यूशन, तो आप अगर यहाँ पे टॉम कूपर को देखेंगे तो एक आपके लिए डिसेंट पिक बनते जा रहे हैं। अभी तक दोनों ही मैचेस में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए। देन कैमरन वाइट का 1 और यहाँ से मोहम्मद नाबी जो इनके ऑलराउंडर हैं अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है लेकिन बहुत ही जल्दी जुड़ने वाले हैं, तो इनके 28, देन डैन क्रिश्चियन का 18, तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। देन अगर मैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ स्टार्स की तरफ से, तो जैक्सन बर्ड के 2 विकेट, मार्कस ट्वाइनिस के 3 विकेट और लियाम प्लंकट जो अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है उनके भी 2 विकेट थे, और यहाँ से एडम जंपा के 2 विकेट और यहाँ से डीजे ब्रावो का 1 विकेट था। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि क्लियर आपको दिख रहा है, जंपा ने हर दोनों ही मैचेस में दो दो विकेट निकाल रखे हैं और यहाँ से पेस बॉलर्स को भी अच्छी खासी मदद मिल रही है। सॉरी, ये इस पिच के नहीं है लेकिन जब भी दोनों टीमें खेलती हैं तो पेसर्स अच्छा यहाँ पे करते हैं। मैंने पूरे जो भी मैंने यहाँ पे स्टैट्स बॉलर्स के देखे तो पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो है स्पिनर्स, तो यहाँ पे आप पेसर्स को आप थोड़ा बहुत प्रिफर कर सकते हैं स्पिनर्स के ऊपर। अगर यहाँ से मैं मेलबर्न स्टार्स की बात करूँ तो इसको चेस करते हुए 124 ईजिली बना लिया और 4 विकेट इनके भी गए थे, तो ये इजीली विन कर गए थे चेस करते हुए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूटर्स की, तो स्टॉइनिस के 70 रन और हैंडसकम का कुछ अच्छा स्कोर नहीं था, तो यहाँ से सिर्फ आपको एक अच्छा नाम देखने को मिल रहा है मार्कस स्टॉइनिस, तो इनके 70 रन बने थे, नॉट आउट रहे थे, और थोड़ा बहुत सबने कंट्रीब्यूट किया, मेडिसन और ब्रावो ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो उस बदौलत से ईजिली विन कर गए थे। अगर यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो रेनिगेड्स की तरफ से रिचर्डसन के 2 विकेट और मोहम्मद नाबी का 1 विकेट था। यहाँ से उससे पहले एक मैच हुआ था जो कि अभी फिलहाल के लिए जहाँ पे मैच खेला जा रहा है वहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मतलब MCG पे मेलबर्न, यहाँ से 1 जनवरी 2019 को यह मैच खेला गया था, तो लगभग आज से आप 1 साल का आप मान सकते हैं कि 3 दिन पहले 1 साल, तो ये लगभग 1 साल पीछे पिछला वाला मैच है। तो यहाँ से मेलबर्न रेनिगेड्स ने इसमें 148 बनाया फर्स्ट इनिंग में जो है बैटिंग करते हुए, 9 विकेट इनके गए थे, और यहाँ से सैम हार्पर ओपन करते हुए 30, देन मैकेंजी हार्वी 21 फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है, हो सकता है इंक्लूड करे जाए अगले आने वाले कभी फ्यूचर मैचेस में। तो यहाँ से कैमरन वाइट के 8 जो अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में वो भी अवेलेबल नहीं है, मोहम्मद नाबी भी अवेलेबल नहीं है, टॉम कूपर का 10 और डैन क्रिश्चियन का 32 और बीयू वेबस्टर का 19, तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे। और यहाँ से स्टार्स की तरफ से अगर मैं बॉलिंग से बात करूँ तो जंपा का 1 विकेट फिर से, देन बोलेंड जो अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है, अभी इनका ये स्क्वाड में आ भी नहीं सकते, तो इनके 2 विकेट और लामी चाने के यहाँ से 1 विकेट है फिर से, मार्कस ट्वेनिस का 2 और डीजे ब्रावो के 3, तो आप यहाँ पे मीडियम पेसर्स का डोमिनेशन देख सकते हैं फिर से। यहाँ से अगर मैं मेलबर्न स्टार्स की बात करूँ तो ये चेस करते 151 स्कोर बना लिया, इजीली विन कर गए थे, सिर्फ 3 ही विकेट इनके गए थे, मार्कस ट्वेनिस का फिर से 78 का स्कोर, देन बेन डंग के 32 और यहाँ से मैक्सवेल का 33 का कॉन्ट्रीब्यूशन था। यहाँ से रेनिगेड्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए कैमरन बॉयस ने सिर्फ 2 विकेट निकाले थे, बाकी किसी ने विकेट नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिकली मैंने जो भी एनालाइज किया वो आपके सामने है, तो इसके बेसिस पे आप अपनी टीम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रेडिट मैनेज करना है तो वो आप खुद से ट्राई कीजिए। मेरे टीम के बेस पे आप जो है कोई भी कोर बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मैं बहुत रिस्क के साथ खेलता हूँ और मैं रिस्क को प्रेफर करता हूँ। तो आपको अगर चाहिए टीम तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए ड्रीम इलेवन। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये टीम मैंने आपके लिए स्मॉल लीग्स के लिए प्रीफर की है। मैंने जैसे कि बताया हिंक्लिफ अगर नहीं खेलते हैं तो बहुत काफ़ी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये बहुत ही लो क्रेडिट में अवेलेबल हैं, तो इनके मदद से मैं दूसरी बाकी कोर टीम जो है बिल्ड कर पा रहा हूँ। अगर ये नहीं खेलते हैं तो मेरे को जो है कोई बड़ा प्लेयर जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है कंटेंशन पे रखूँगा पीटर हैंडसकम्ब को, तो इनको आप ड्रॉप करके किसी भी 8.5 के जो है प्लेयर को ले सकते हैं या 8 क्रेडिट के प्लेयर को भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप किन को प्रीफर करके अपनी टीम में ऐड करते हैं।
आप ज़्यादा कोशिश करें कि बैट्समैन को लें। मैं इस मैच में कहूंगा कि आप बैट्समैन को ज़्यादा लें, बाकी अक्सर मैं कहता हूं कि बॉलर्स को आप ज़्यादा प्रेफर करें, लेकिन इस मैच के लिए मैं कहूंगा आप बैट्समैन ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर पिच जो पिछला जो यहां पे बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ उसको अगर देखा जाए तो यहाँ से आपके लिए बॉलर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना बैट्समैन। ले आप यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप बैट्समैन को ही दें, बॉलर्स को ना दें। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा जो है यहाँ से मीडियम पेस बॉलर्स को ऐड कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ से मैं नेथन कुल्टरनाइल, केन रिचर्डसन, कैमरन बॉयस और यहाँ से मार्कस ट्वाइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, तो ये मेरी कोर टीम रहेगी। देन और शॉन मार्श और यहाँ से एरन फिंच, ये मेरी कोर टीम रहेगी। सैम हार्पर, यहाँ से पीटर हैंड्सकम और निक लार्किन, ये मेरे लिए चूजेबल ऑप्शन रहेंगे सारी टीम्स में। इन तीनों के बीच में कोई भी चेंजेस मैं करते जाऊँगा। यहाँ से मैं नेथन कुल्टरनाइल को भी एक आध टीम में ड्रॉप करके ट्राई करूँगा। और मैं यहाँ पर कहूँगा आप अगर ड्रॉप करते हैं केन रिचर्डसन आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, आप इनको ड्रॉप करके कोई दो एवरेज से प्लेयर आप ले सकते हैं जो इनके जितने ही पॉइंट आपको कलेक्ट करके दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टीम टू की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे डेल स्टेन को ऐड किया है और मैंने जैसे बताया मैंने यहाँ पे केन रिचर्डसन को ड्रॉप करते हुए टॉम एंड्रयूज को ले लिया है। और अगर हिंक्लिफ नहीं खेलते हैं तो ये मेरी कोर टीम हो सकती है, मेरे लिए स्मॉल लीग की ये टीम हो सकती है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी स्मॉल लीग में ये भी आप ले जा सकते हैं, मार्कस ट्वाइनिस और एरन फिंच। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे, आप शॉन मार्श को भी जो है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को दे सकते हैं, पीटर हैंड्सकॉम को दे सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ग्रैंड लीग्स में तो आप टॉम कूपर अगर खेलते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, या आप जो है किसी भी बॉलर को दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए नेथन कुल्टरनाइल सबसे बेटर ऑप्शन रहेंगे अगर आप यहाँ पे वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं ग्रैंड लीग्स में। तो यहाँ पे ये मेरा प्रीव्यू कंक्लूड होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर जो है एक लाइक कर पक्का करना, और हमारा चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा कॉन्टेंट लगा हमारे चैनल का तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, वहीं पर आपको फाइनल अपडेटेड टीम और टॉस के बाद सारे कुछ अपडेट्स वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।